राजस्थानी रसोई में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं बथुआ के मुठिये। बथुआ के मुठिये बनाने के लिए हमने बथुआ की एक जोड़ी हमने भाजी ली है। बथुआ के मुठिये बनाने के लिए लगने वाली सामग्री इस प्रकार है। बथुआ को राजस्थानी में सील भी कहते हैं। एक जोड़ी हमने बथुआ की भाजी ली, इसको साफ करके धो करके कट करके ऐसे ली है। आधा किलो गेहूं का आटा लिया है, 100 ग्राम बाजरी का आटा लिया है, 100 ग्राम मकई का आटा लिया है, और 6 हरी मिर्च ली है, 1 नींबू लिया है, थोड़े से धनिया लिए, और 100 ग्राम पुआ लिया है, 10-15 कलियाँ लहसुन की ली है, 2 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची ली है। अभी एक परात में हम गेहूं का आटा डाल दिया है और बाजरी का आटा भी मिक्स कर दिया है, मकई का आटा भी मिक्स कर दिया है, बथुआ की भाजी भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। लहसुन को हमने कूट के थोड़ा पेस्ट बना दिया है, हरी मिर्च को भी हमने ऐसे पेस्ट बना दिया है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी इसमें मिक्स कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है, हल्दी भी डाल देंगे, धनिया पाउडर भी डाल दिया है। 100 ग्राम पुआ जो हमने लिया था उसको हम पानी से धो करके साफ करके इसमें थोड़ा सा गीला करके इसमें हम डाल देंगे। एक नींबू जो हमने लिया था उसका रस निकाल के हम इसमें मिक्स कर देंगे। दो चम्मच तेल डाल देंगे हम इसमें। सब आइटम मिक्स होने के बाद इसको हम आटे को गूंथेंगे। आटे को हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा गीला भी नहीं रखेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंथ लेंगे। आटा गूंथ के रेडी हो गया है, देख लिया, थोड़ा सा मीडियम है। इसके हम रोल बना देंगे गोल गोल। हमारे सारे रोल बन के तैयार हो चुके हैं और हमने गैस पे पहले एक टोप रख दिया था जिसमें थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है और फिर हमने जाली भी रख दी है। अभी हम रोल को सब इसमें जमा देंगे। मुठियों को भाप में पकने के लिए 25 से 30 मिनट लगेंगे। 25 से 30 मिनट के लिए उसको ढक के रख देंगे। आधा घंटा पकने के बाद इसको अब अभी हम हटा के देखेंगे और चेक करेंगे पके हैं कि नहीं है। हमारे मुठिये एकदम पक चुके हैं। मुठिये को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मुठिये ठंडा होने के बाद रोल को हम इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट देंगे। मुठिये को भी फ्राई करने के लिए हम मसाला डाल देंगे। मसाला थोड़ा सा डालना है क्योंकि हम पहले ऑलरेडी आटे में हम डाल चुके हैं। चुटकी भर हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मुठिये को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में 6 चम्मच तेल ले लेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। एक चम्मच तिल डाल देंगे।
अब चुटकी भर हींग डाल देंगे, अब इसमें हम मुठिए को मिक्स कर देंगे सारे मुठिए को, और इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे और सबको मिक्स कर देंगे। हमारे तो बथुआ के मुठिए बन के तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बथुआ के मुठिए बने हैं, आप भी कृपया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बथुआ के मुठिया कैसे बनते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।